हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम आए हैं गाय को देखने के लिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं गाय को। दोस्तों आप देख सकते हो गाय को, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, बैठी हुई है गाय। और इस साइड दूसरी गाय को देख सकते हो आप लोग। चलो अभी चलते हैं घर। Shine bright up all night, we'll never slow down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling. दोस्तों अभी हम हैं जोनल हॉस्पिटल मंडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो यहाँ पे आज पापा की मीटिंग है, तो हम पापा के साथ आए हैं। और ये है जोनल हॉस्पिटल का कॉन्फ्रेंस हॉल, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा जैसा दिखता है जोनल हॉस्पिटल का कॉन्फ्रेंस हॉल। तो दोस्तों आप देखिए तब तक सिनेमैटिक शॉट्स, और हमारी वीडियो में बने रहिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। चलो चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के महामंत्री श्री अमरजीत शर्मा जी, मैं धन्यवादी हूँ इनका कि मेरी 20 साल की सेवा अनुभूति के बाद भी इस आयु में उन्हें आमंत्रित किया। पर मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपने साथियों के दर्शन आज करूं, मेरी भी इच्छा थी, बल्कि एक बैठक और थी, मेरे उसमें नहीं गया। सीनियर सिटीजन की बैठक हो रही थी, उसमें भी नहीं गया, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि आज मैं अपने साथियों के साथ हूं। भूपेंद्र बहर जी शहर चले गए, श्री उत्तम सिंह ठाकुर जी जो कि मेरे कार्यकाल में यहाँ लौटने में थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो सदैव चौहान हूँ, आज अभी रिटायर तो नहीं हुई, अभी नहीं हुआ यहाँ सर्विस में। प्रेमलता जी और इनके साथ दो बेटी और जिनका मैं नाम नहीं जानता, इनका मैं धन्यवादी हूँ। श्री तेज राम जी तुम मेरे टाइम पर थे, हाँ मैं भी यहीं से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। श्री व्यक्ति राम शर्मा जी, जो शायद आप पहले नाम सुना होगा, तो हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बहुत लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे और आजकल एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हमारे यहाँ सदर इकाई के प्रेसिडेंट हैं।
दोस्तों यहाँ पे मिल गए हमें अपने सब्सक्राइबर, हाय कर दो हमारे चैनल को, बोल दो हाय आवाज़ निकाल रही है। और यहाँ पे हमारे साथ लंच और मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, तो अभी सब लंच करेंगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे जा रहे हैं दो दो ट्रक, जो रोड का काम चला हुआ है उसके लिए। दोस्तों भक्तजन जो है माता की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी माता बगलामुखी के दर्शन कर लीजिए और देव बुढ़ामुखी के भी दर्शन कर लीजिए। जय माता बगलामुखी। तो दोस्तों जैसा कि आज मैं पापा के साथ पापा के कॉन्फ्रेंस में गया था, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत लोग आए थे, तो कुछ लोग उनमें से जो रिटायर हो चुके हैं वो भी आए थे, तो उन लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे कि वो रिटायर हो चुके हैं फिर भी वो मीटिंग में आए और अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो अभी भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का साथ दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तो दोस्तों जैसा कि अभी आर्मी का भी हुआ है, तो आर्मी की भी 4 साल कर ली है, तो जो आर्मी वाले हैं तो उनको भी अपने भाइयों के लिए लड़ना चाहिए और अपने हित की लड़ाई लड़नी चाहिए कि 15 साल ही आर्मी की जो है जॉब होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप लोग या कहीं पे भी हो, तो अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए लड़ना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।